साइन वाले छोटे से गंडे को लेते हैं तीनों में लिए चलो। गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो आज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो वहीं आप लोगों को ले चलते हैं। चलिए सब लोग तैयार हो गए हैं, देखिए कुर्ता पैजामा में। गुड मॉर्निंग राधे राधे। और ये अभी बाल अपने आराम से धीरे 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 सुखाए जा रहे हैं। पिपोला नहीं आता है, मुंह में दही जमा है मट्ठा। गुड मॉर्निंग। हमने सुना ना, देखो इत्तेफाक से मैचिंग मैचिंग पहना है। मेरी बहन लेता मैचिंग, लेकिन है ही नहीं प्रेस। मेरी शर्ट प्रेसिंग पहना जाता था, प्रेस ही नहीं है। ये है प्रसाद की दुकान, यहाँ से हम लोग प्रसाद लिए हैं। देखिए प्रसाद में क्या क्या है, और देखने में बड़ी अच्छी लगती है दुकानें। ये सजी सवरी एकदम बहुत अच्छी लगती है। यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। माँ चंद्रिका सबका भला करे, हमारा भला करे। उतार दे साथ ले लिए हम लोग जा रहे हैं। तो लाइन लगने की पहले प्रॉब्लम होती है, सब लोग ग्रुप में लगे रहते थे, बहुत लंबी लाइन लगती थी। अब इस तरह की ग्रिल है, ओपन टीम भी है, तो पंखे भी लगे हैं, तो भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती है लाइन लगने में। लेकिन अमावस को मैं पहले आती थी, बहुत दिनों से नहीं आई हूँ अमावस को। बहुत बदलाव हो गया है, मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। पहले तो इसी मंदिर के आगे ही धूप रहती थी, खुला था, बस केवल एक मंदिर साधारण सा बना था। और मैंने कमाना शुरू किया था जब बाढ़ का पानी बहुत दूर तक आ गया है। नीचे से हम लोग आते थे, लेकिन नीचे नया टीका लगा है। बारिश का पानी, इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई है कि दुकानें नीचे थी, दुकानों के अंदर पानी आ गया है। नाव लगी हुई है, यहाँ सारी दुकानें लगती थी, सब पानी भरा हुआ है। शिव जी के मंदिर हम लोग जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश पानी, देखिए उस रास्ते में भी भरा है। Yeah.
चूड़ी खरीद रही थी, तो चूड़ी बहुत अच्छी मिलती थी लेकिन ये बहुत जल्दी मचाने लगती है, जल्दी चलो इसलिए मैं खरीद नहीं पाई हूँ अच्छे से। पर बहुत अच्छे यहाँ चूड़ी और कड़े मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, हमेशा मार्केट से भी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो वही मैं ले रही हूँ। उसके बाद देख लो क्या क्या इधर होता है। हम लोग कुछ भूल गए थे लेने के लिए तो वही फिर वापस लेने जा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा का मंदिर पहली बार आई हूँ मैं, बहुत अच्छा मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है, वो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। गोमती नदी है वो बह कह रहा है घास जी है। यहाँ पे गोमती नदी का पानी सब बह रहा है, बहुत हरियाली, बहुत जंगल है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पे बना है, पहली बार आई हूँ मैं। इन्होंने कहा कि चलो आज खाटू श्याम बाबा के मंदिर पे चलें, वो चंडिका देवी के बिल्कुल बगल में ही बना है, थोड़ा सा आगे बढ़ के बस बना है, तो ये यहाँ बैठ के आराम करने लगे, बैठ के नज़ारा लेने लगे। और ये बहुत नीचे में है बिल्कुल, इसलिए ग्रीले लगी हैं कि कोई गिर भी ना जाए। और क्योंकि गोमती नदी है तो पठान पे तो बाढ़ का पानी है, अगर अभी भी बाढ़ आई है तो मंदिर के किनारे जो बन रहा है बाहर उसमें पानी आ गया है। प्रसाद खरीदा था, उसके साथ दो बत्ती मिली थी, दो बत्ती ये नहीं जलाए थे तो मुझसे बोले कि अब जाओ जला के आओ, तो वही मैं जलाने गई हूँ। साईं बाबा के मंदिर के सामने यहाँ पे आंवला का पेड़ लगा, उसमें आंवले लगे हैं, लेकिन हम लोग रास्ते से खरीद के आए हैं सारी चीज़ें। मैं पहले आ गई हूँ, लोग अब आ रहे हैं, हम लोग आ गए हैं सब लोग, और बहुत टाइम हो गया है, अब नाश्ता पानी खुद बनाती हूँ। खाटू वाले जी कस के पकड़ियो मेरा हाथ, चंद्रिका मंदिर वाले पैर भी नहीं।
एक मुल्ला जी खड़े हैं हमारे बगल में, ये देखो मुल्ला जी खड़े हैं, सब चेंज करने लगे। मैं भी चेंज करती हूँ, फिर बनाती हूँ कुछ। मैंने इडली का इंतज़ाम किया था, तो ये सारा इंतज़ाम मैंने एक दिन पहले करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जाना है मंदिर, तो इतनी जल्दी मैं जल्दी जल्दी आके क्या बनाऊँगी। सब लोग तो आराम से बैठ जाते हैं, मुझे ही बनाना पड़ता है। तो ये सारा मैंने इंतज़ाम करके रख दिया था, सांभर भी बना के रख दिया था, चटनी मैं भी पीसूँगी ताजी। जल्दी से इडली बना लेती हूँ और हेल्दी स्वादिष्ट नाश्ता। और ये इडली बन रही है मूंग दाल और चने दाल से, क्योंकि उड़द दाल मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि उड़द दाल थोड़ी सी नुकसान करती है। और ये दालें हेल्दी हैं। इडली हमारी तैयार। अगर डिटेल से आपको ये रेसिपी देखनी है तो मेरे कुकिंग वाले चैनल पर देख लीजिए। और इडली में घी में फ्राई करती हूँ, घी में फ्राई की हुई इडली बहुत टेस्ट लगती है, तो एक बार आप लोग वाली ज़रूर खाइए फ्राई वाली। कैसा बना नाश्ता? बहुत बढ़िया टेस्टी। इसी दिन तो अभी खाया नहीं, मैं भी खाती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने ये बनाया है, इडली सांभर और चटनी। बना बहुत टेस्टी। तो इडली खाने आप लोग भी आ जाइए। इडली मैं फ्राई करके बनाती हूँ। बॉयल वाली भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन जो घी में फ्राई करके बनती हैं बहुत टेस्टी लगती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लेती हूँ ऐसे ही हल्का सा। तो मैं खा लेती हूँ, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। बाय बाय। ने घूम के बहुत मज़ा आया, और खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए थे, वहीं रास्ते में पड़ता है। और पहली बार, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह, इतनी शांति, इतनी हरियाली, नदी का किनारा, क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आ गया हम लोग को, बड़ा सुकून मिला। मन कर रहा था काश वहीं अपना घर उठा के रख लूँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताएं, आप लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या नहीं खाटू श्याम अच्छा लगा, बाकी पापा बाकी जितनी भी जगह हैं पापा सब। तो ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि नहीं अच्छा लगा। अच्छा लगा, मन मुताबिक घूम नहीं पाए ये बोलो। हाँ, सारा टाइम प्रेशर बना रहा मन में। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए। गुड बाय, राधे राधे, गुड नाइट।